Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question, general role of consumer organizations. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि consumer organizations कौन होते हैं. तो basically, consumer organization जो होते हैं, वो consumer के rights के लिए fight करते हैं. मतलब अलग अलग तरीके से marketer जो है वो consumer का exploitation कर सकते हैं और ये exploitation से customer को बचाने का जो काम होता है वो ये consumer organizations करते हैं. जैसे कि trade unions होते हैं जो employees के लिए fight करते हैं, वैसे ही consumer organizations होते हैं जो consumer के rights के लिए fight करते हैं. So basically ये जो consumer organizations होते हैं ये advocacy groups होते हैं. Advocacy group का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है advocates होते हैं. So advocates क्या करते हैं, अपने client के लिए fight करते हैं court के अंदर. मतलब अपने क्लाइंट का जो पॉइंट है वो कोर्ट के सामने रखने का काम एडवोकेट करते हैं. उसी तरीके से ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ये भी कुछ एडवोकेसी ग्रुप्स होते हैं जो कस्टमर का जो साइट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है या वो कस्टमर को कंज्यूमर कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं. बिकॉज क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक कस्टमर जो है वो अपने एक्सप्लॉयटेशन के लिए अपना वॉइस रेज करे या कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेंट करे. कुछ ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं जिनको वॉइस रेज करना है पर वो कर नहीं पाते हैं या कंज्यूमर कोर्ट में जाना है लेकिन उनको प्रोसीजर पता नहीं है. तो ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो एडवोकेसी ग्रुप्स का काम करते हैं जहां पे वो कस्टमर्स को किस तरीके से अपना वॉइस रेज किया जा सकता है, कहां पे जाके कंप्लेंट फाइल करना है, किस तरीके से कंप्लेंट फाइल करना है या कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है जिसकी वजह से कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, ये सब कस्टमर्स को बताने में ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है. और बेसिकली ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो कस्टमर्स को कॉर्पोरेट अब्यूज से सेव करते हैं. कॉर्पोरेट अब्यूज का मतलब क्या होता है, जैसे कि अनसेफ प्रोडक्ट्स हो गए. मतलब ऐसे प्रोडक्ट कुछ मार्केटर्स बेचते हैं जो अनसेफ होते हैं, स्पेशली जो ईटेबल आइटम्स होते हैं या मेडिसिन वगैरह होते हैं, तो वो काफी बार अनसेफ हो सकते हैं. जैसे उसका एक्सपायरी डेट खराब हो गया या उसका कंटेंट जो है वो अच्छा नहीं है, तो उस केस में ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो ऐसे अनसेफ प्रोडक्ट्स को बैन कर देते हैं और उसके वजह से कस्टमर्स का प्रोटेक्शन होता है. देन प्रीडेटरी प्राइस. प्रीडेटरी प्राइस मतलब कि हाई प्राइस चार्ज करना. तो बहुत सारे मार्केटर्स क्या करते हैं, उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है बट बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के लिए प्राइस चार्ज करते हैं. जैसे कि आप लोग सब्जियां देखते हो या ग्रोसरी वगैरह देखते हो, तो उसमें कुछ मार्केटर जो होते हैं वो जानबूझ के प्रोडक्ट के प्राइस जो होते हैं बढ़ाते हैं. तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ये सब चीजों के लिए भी फाइट करते हैं. फिर फॉल्स एडवर्टाइजिंग, मतलब एडवर्टाइजिंग के अंदर झूठ बोलना या टॉल क्लेम्स वगैरह करना जो बिल्कुल भी सच्चे नहीं है, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट को भी कंट्रोल करने का जो काम होता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का होता है. प्लस पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, मतलब बहुत सारे बिजनेसमैन जो है पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी अफेक्ट होती है और लोगों की हेल्थ भी अफेक्ट होती है. सो ऐसे बिजनेसेस को कंट्रोल करने का काम भी यहाँ पे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं. सो बेसिकली कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंज्यूमर्स को कॉर्पोरेट अब्यूज से प्रोटेक्ट करते हैं जिसमें उनको वो अनसेफ प्रोडक्ट्स, प्रीडेटरी प्राइस, फॉल्स एडवर्टाइजिंग और पॉल्यूशन, ये सब चीजें जो मार्केटर्स करते हैं उससे कंज्यूमर्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है. नाउ ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है इनका एम क्या होता है, तो ये लोग जो कंज्यूमर राइट्स है उसको एनफोर्स करते हैं. एनफोर्स करना मतलब क्या, और स्ट्रांग बनाना कि कस्टमर जो है उन्होंने अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए, उनके बीच में अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है ताकि कस्टमर अपने राइट्स को हर एक जगह पे यूज करे. बिकॉज कस्टमर्स क्या करते हैं, उनको राइट्स के बारे में पता होता है लेकिन वो राइट्स को इग्नोर करते हैं और ऐसे इग्नोरेंस की वजह से क्या होता है, मार्केटर जो होते हैं वो कस्टमर का अनड्यू एडवांटेज लेते हैं. तो यहाँ पे ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंज्यूमर राइट्स को एनफोर्स करते हैं, कंज्यूमर्स को उनके राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट करते हैं. तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन. अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये क्या काम करते हैं या इनका क्या इंपॉर्टेंस है. तो सबसे पहला रोल है क्रिएट कंज्यूमर अवेयरनेस. ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कंज्यूमर्स के बीच में उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. और कंज्यूमर्स को ये राइट किसने दिए हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उन्होंने ये राइट्स दिए हैं. और ये राइट्स के बारे में आप सबको पता है बिकॉज आप लोगों ने स्कूल में भी ये राइट्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें पहला है राइट टू चूज. मतलब क्या, कस्टमर जो है वो मार्केट में जो भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसमें से उनको जो चाहिए उनके बजट के हिसाब से जो प्रोडक्ट है उसको चूज कर सकते हैं. कोई भी मार्केटर कंज्यूमर को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही परचेज करना है करके. तो कस्टमर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं. सेकेंड, राइट टू सेफ्टी. मतलब जो भी प्रोडक्ट मार्केटर कस्टमर्स को बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट एकदम सेफ होना चाहिए.
वो प्रोडक्ट किसी भी तरीके से कस्टमर के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए, जैसे मेडिसिन हो गए, ईटेबल आइटम्स वगैरह हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, इसमें सेफ्टी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये प्रोडक्ट जो है कस्टमर्स को पूरी तरीके से सेफ होने चाहिए, तो ये भी कस्टमर का एक राइट है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन जो है कस्टमर को प्रोवाइड करना ये मार्केटर की जिम्मेदारी होती है, तो प्रोडक्ट के पैकेजिंग के थ्रू मार्केटर क्या करते हैं, प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, या कस्टमर ने अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में पूछा तो मार्केटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जरूरी होता है, तो ये भी कस्टमर का एक अधिकार है। देन राइट टू बी हर्ड, कस्टमर की कंप्लेंट जो है मार्केटर ने सुनना चाहिए, ये भी कस्टमर का एक अधिकार है। देन राइट टू रिड्रेस, रिड्रेस मतलब क्या है, अगर कस्टमर का कोई कंप्लेंट है तो उसको रिजॉल्व करना या सॉल्व करना, जैसे कस्टमर का अगर कोई प्रोडक्ट खराब हो गया तो मार्केटर ने क्या करना चाहिए, वो प्रोडक्ट के लिए रिफंड देना चाहिए या फिर उसको रिप्लेस करना चाहिए या फिर वो प्रोडक्ट को रिपेयर करके देना चाहिए, उसको रिड्रेसल बोलते हैं। जैसे आपने अगर कोई रेफ्रिजरेटर परचेस किया तो वो रेफ्रिजरेटर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है तो मार्केटर ने क्या करना चाहिए, कस्टमर के कंप्लेंट को रिजॉल्व करना चाहिए, रिड्रेस करना चाहिए। किस तरीके से कस्टमर के कंप्लेंट को यहाँ पे मार्केटर रिड्रेस कर सकते हैं, तो उस फ्रिज का जो पैसा है वो मार्केटर जो है वो कस्टमर को रिफंड कर सकता है, या वो फ्रिज को रिपेयर करके दे सकते हैं, या फिर उस फ्रिज को वो रिप्लेस करके दे सकते हैं, उसको बोलते हैं राइट टू रिड्रेस। सो ये सारे जो राइट्स है वो कंज्यूमर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, और ये जो राइट्स है इसके बारे में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंज्यूमर्स को अलग अलग कैंपेन्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू और वर्कशॉप्स के थ्रू अवेयर करते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, जहां पे कस्टमर को ये सारे राइट्स जो होते हैं वो एक्सप्लेन किए जाते हैं और उनको ये राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए एनकरेज किया जाता है। तो पहला यहाँ पे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का रोल होता है क्रिएट द कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स। दूसरा है क्वालिटी टेस्टिंग। यहाँ पे क्या होता है कि जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट के सैंपल जो होते हैं वो कलेक्ट करते हैं, और सैंपल कलेक्ट करने के बाद में उस सैंपल्स की क्वालिटी को चेक किया जाता है, और चेक करने के बाद में उसका जो भी रिपोर्ट है या रिजल्ट है उसको पब्लिक को डिक्लेयर किया जाता है। इससे क्या होता है कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है और कस्टमर को वो प्रोडक्ट कितना ऑथेंटिक है वो फाइंड आउट करने में ईजी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं, तो ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को टेस्ट करेंगे और उसके बारे में पब्लिक को अपने बुलेटिन के थ्रू वगैरह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि कस्टमर जो है वो अनसेफ प्रोडक्ट से या वो खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट से दूर रहेंगे। जैसे कि सपोज कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो कस्टमर्स के लिए वो प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, तो उसके लिए उसका क्वालिटी चेक करने का काम जो है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन करेंगे और उसका रिपोर्ट जो है वो पब्लिक को डिक्लेयर करेंगे, जिससे फिर कस्टमर अभी डिसाइड करेंगे कि वो प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है कि नहीं। अगर सपोज जो भी रिपोर्ट जो है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने उस प्रोडक्ट के बारे में डिक्लेयर किया है वो पॉजिटिव है तो लोग वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, लेकिन वो रिपोर्ट के अंदर वो प्रोडक्ट के बारे में काफी नेगेटिव लिखा गया है तो फिर कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे नहीं। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रोडक्ट के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं, उसका रिजल्ट जो है पब्लिक को डिक्लेयर करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट को परचेस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज लीगल असिस्टेंस। नाउ ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो कंज्यूमर्स को लीगल एडवाइस भी देते हैं, या फिर उनको जो भी एड मतलब जो भी हेल्प लगती है वो भी उनको प्रोवाइड करते हैं, ताकि कस्टमर जो है वो अपने राइट्स के लिए फाइट कर पाए। नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर कस्टमर्स को लीगल एडवाइस नहीं मिलेगी तो कस्टमर को हमेशा ऐसे ही लगा रहेगा कि कंज्यूमर कोर्ट में जाना मतलब बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है, उसमें हमारा टाइम मनी एनर्जी वेस्ट होता है, और फिर कोई भी कस्टमर जो है अपनी कंप्लेंट को लेके कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाएंगे। लेकिन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कस्टमर को लीगल एडवाइस देते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से कस्टमर अपने कंप्लेंट को कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करके वो अपने लिए जस्टिस पा सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है कस्टमर्स को पूरा लीगल एडवाइस देते हैं ताकि कस्टमर अपने राइट्स के लिए फाइट कर पाए। यहाँ पे ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये एज अ मीडिएटर काम करते हैं। मीडिएटर का मतलब क्या होता है या मीडियम का मतलब क्या होता है कि ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कंज्यूमर और कंज्यूमर कोर्ट के बीच में काम करते हैं, जहां पे ये लोग कंज्यूमर के बिहाफ पे कोर्ट के अंदर पेटिशन को फाइल करते हैं। पेटिशन का मतलब क्या होता है, कंप्लेंट फाइल करना, ताकि कस्टमर्स को यहाँ पे जस्टिस मिले।
क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनके साथ चीटिंग होती है या जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, लेकिन उनको लीगल प्रोसीजर पता नहीं होता है या लीगल प्रोसीजर उनको काफी लेंदी लगता है, काफी एक्सपेंसिव लगता है, इसके लिए वो कंप्लेंट नहीं फाइल करते हैं। लेकिन ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कस्टमर्स को लीगल एडवाइस देते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनका पिटीशन जो होता है वो कंज्यूमर कोर्ट के अंदर फाइल करने में उनको हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर को जस्टिस मिल सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कस्टमर के प्रोटेक्शन के लिए प्ले करते हैं। देन ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट, मतलब आंदोलन करना। तो बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से वो क्या करते हैं, अलग अलग जो इश्यूज है जिसकी वजह से कस्टमर्स को प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उनके बारे में प्रोटेस्ट करते हैं, जिसमें सपोज अगर कोई मार्केटर अडल्ट्रेशन कर रहे हैं या होल्डिंग कर रहे हैं, मतलब चीजों को छुपा के रख रहे हैं ताकि वो चीजों के दाम बढ़ जाए, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, अंडरवेट सेलिंग, मतलब क्या कि प्रोडक्ट जो है वो लिखा 1 kg का होता है बट होता 950 ग्राम का या 900 ग्राम का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केटर जो है वो अंडरवेट प्रोडक्ट का सेलिंग कर रहा है, मतलब कम क्वांटिटी के गुड्स को बेचा जा रहा है, और अननेसेसरी राइज इन प्राइस, मतलब अननेसेसरी कुछ मार्केटर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वेजिटेबल्स हो गए या ग्रोसरीज हो गए, तो कभी कभी इनकी प्राइस जो होती है वो अननेसेसरी बढ़ाई जाती है। तो ये सारे जो इश्यूज होते हैं इनके लिए कंज्यूमर्स को प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करने के लिए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करते हैं, बिकॉज प्रोटेस्ट के वजह से कस्टमर्स को यहाँ पे जस्टिस मिल सकता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट होता है वो ऑर्गेनाइज करने में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूमर को हेल्प करते हैं। और आजकल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंज्यूमर्स को फॉल्टी और इन्फीरियर प्रोडक्ट्स के बारे में अपना वॉइस जो है रेस करने में हेल्प करते हैं, मतलब किसी भी तरीके से मार्केटर ने अगर उनको कोई भी फॉल्टी या इन्फीरियर प्रोडक्ट बेचा तो कस्टमर अपना वॉइस रेस करते हैं और अपने जस्टिस के लिए फाइट करते हैं। मतलब वो कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे या उस मार्केटर को जाके वो बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है आपका फॉल्टी है या इन्फीरियर है, मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, और अगर मार्केटर ने नहीं सुना तो उसकी कंप्लेंट जो होती है कंज्यूमर कोर्ट में की जाती है। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कस्टमर्स को उनके अगेंस्ट जो भी इनजस्टिस हो रहा है उसके लिए वॉइस रेस करने के लिए भी हेल्प करता है। सो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स को प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज भी करने के लिए हेल्प करता है, प्लस जो इनजस्टिस है उसके खिलाफ वॉइस रेस करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज रिकमेंडेशंस टू गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कस्टमर के पॉलिसीज बनाने के लिए गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देते हैं, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कंज्यूमर के इंटरेस्ट में रेगुलेशंस बना पाते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और अलग अलग ग्रुप के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, कोई भी पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं या कोई भी रेगुलेशंस बनाते हैं तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को लिया जाता है और वो रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से यहाँ पे वो पॉलिसीज या रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो कस्टमर्स के लिए अगर कोई पॉलिसी बनानी है, कस्टमर के लिए कोई अगर रेगुलेशंस बनाना है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करते हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशंस लेते हैं। तो ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देते हैं और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट क्या करते हैं, कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए सुटेबल रेगुलेशंस फ्रेम कर पाते हैं, और इसके हेल्प से गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट मेजर लेके कस्टमर के अगेंस्ट जो भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस सेलर कर रहे हैं उसको यहाँ पे गवर्नमेंट ओवरकम कर सकते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट को ये पता चल रहा है कि किस तरीके से सेलर जो है वो अनएथिकल मार्केटिंग कर रहे हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉपर सुटेबल रेगुलेशंस बना पाएंगे, और ये रेगुलेशन बनाने के लिए यहाँ पे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज रिजॉल्विंग कंज्यूमर कंप्लेंट्स। रिजॉल्व मतलब क्या, सॉल्व करना। सो कुछ अनएथिकल ट्रेडर्स होते हैं जो कस्टमर के कंप्लेंट्स को सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये कस्टमर जो है हमको कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से वो अनएथिकल ट्रेडर जो कस्टमर के कंप्लेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो ऐसे अनएथिकल ट्रेडर जो होते हैं या डीलर जो होते हैं उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि ये लोग प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, या ऐसे जो अनएथिकल ट्रेडर्स होते हैं उनके पास ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और उनको वो बताते हैं कि आप ये कस्टमर का जो जेन्युइन कंप्लेंट है उसको अब रिजॉल्व करो। तो इस हिसाब से यहाँ पे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अनएथिकल ट्रेडर के ऊपर प्रेशर डालते हैं और ये जो जेन्युइन कंप्लेंट्स होती है कस्टमर्स की उसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि कस्टमर अगर अकेला ऐसे अनएथिकल ट्रेडर के पास जाएंगे तो वो उनको इग्नोर करेंगे, लेकिन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के अगर सपोज
ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे अनएथिकल ट्रेडर के पास जाएंगे तो वो थोड़ा सा डर जाएंगे, थोड़ा सा वो घबरा जाएंगे और वो कस्टमर के कंप्लेंट को रिजोल्व करेंगे। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक तरीके से क्या कर रहा है, यहाँ पे अनएथिकल ट्रेडर्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं और जो भी जेन्युइन कंप्लेंट्स है उसको रिजोल्व करते हैं। नेक्स्ट, पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन। नाउ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके कुछ जर्नल्स और पीरियोडिक्स वगैरह होते हैं, मतलब ऐसे हैंडबुक्स वगैरह होते हैं, और ये हैंडबुक्स को वो लोग पब्लिश करते हैं जिसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कंज्यूमर के राइट्स है, कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स है, या क्या क्या लीगल रेमेडीज अवेलेबल है जिससे कंज्यूमर अपने आप का प्रोटेक्शन कर पाए। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हैंडबुक्स के अंदर या ये पीरियोडिक के अंदर या जर्नल्स के अंदर अवेलेबल होता है। जैसे कि आप लोग ये जर्नल्स वगैरह देखोगे तो इसके अंदर अलग अलग केसेस होते हैं कि किस तरीके से कस्टमर के साथ चीटिंग किया जाता है और किस तरीके से कस्टमर जो अपने आप को ये चीटिंग से बचा सकते हैं। फिर कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स है, किस तरीके से कंप्लेंट को फाइल करना है, एवरी पॉसिबल डिटेल इज मेंशन इनटू दिस जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स। ये इन्फॉर्मेशन जो होता है कंज्यूमर्स के लिए और मैन्युफैक्चरर दोनों के लिए काफी जरूरी होता है। ये इन्फॉर्मेशन को यूज करके कंज्यूमर जो है अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सो कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में और लीगल रेमेडीज के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम जो होता है ये इन जर्नल्स और पीरियोडिक के थ्रू कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस कर सकते हैं। और लास्ट वाला है असिस्टिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। असिस्टिंग मतलब क्या, हेल्प करना। नाउ जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, मतलब स्कूल और कॉलेजेस को, अपना स्टडी मटेरियल जब वो लोग प्रिपेयर करते हैं तो उनको कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के उसके हिसाब से अपना स्टडी मटेरियल डिजाइन करने के लिए एनकरेज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टडी मटेरियल्स है जिसके अंदर कुछ स्पेशल मॉड्यूल्स होते हैं या टॉपिक्स होते हैं जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के बारे में या कंज्यूमर के इंटरेस्ट के बारे में होते हैं। सो ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एनकरेज करते हैं कि आप लोग आपके बुक के अंदर ऐसे टॉपिक या मॉड्यूल इंक्लूड करो जिसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जा सकती है। तो जैसे आप लोग देखते हो कि मैंने आपको बताया कि स्कूल के अंदर आप लोगों को कंज्यूमर राइट्स के बारे में या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है, देन जूनियर कॉलेज के अंदर भी आपको पढ़ाया जाता है, देन डिग्री कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट लाइफ से अगर हम लोग कंज्यूमर राइट्स के बारे में स्टूडेंट्स को बताएंगे तो वो जब भी बड़े होंगे, कमाने लगेंगे, चीजों को परचेस करेंगे तो अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो स्टूडेंट लाइफ से ही यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंज्यूमर लाइफ के बारे में उनको पता रहना चाहिए ताकि वो लोग आगे जाके अपने ये राइट्स को एक्सरसाइज कर पाए। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सिलेबस बनाने में या मॉड्यूल लिखने में या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में यहाँ पे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करते हैं जिसके थ्रू स्टूडेंट्स के बीच में जो है वो कंज्यूमर राइट्स के बारे में और कंज्यूमर प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। तो ये सारे जनरल रोल थे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के। ये मेरे URL है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.